नमस्ते दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक सोफा सेट का डिजाइन को दिखाने जा रहा हूं। और ये जो सोफा सेट है, इसको थोड़ा अलग टाइप से बनाया गया है। अगर आपको भी इस टाइप का सोफा सेट बनवाना है तो इस वीडियो को पूरा देखते रहना, और ऐसे ही आप बनवा सकते हैं। इस वीडियो को देख के, इस सोफा का डिजाइन को देख के आप बनवा सकते हैं घर में। तो इस सोफा सेट को मैंने 2 साल पहले ही बनाया था अपने घर में, और अभी कस्टमर के घर में ही ये सोफा सेट है। मैंने वीडियो को थोड़ा शूट किया है उधर पे ही, और आप लोगों को दिखाया है कि ये डिजाइन को कैसा लगा है। पहले मैंने वीडियो नहीं बनाया था, इसलिए अभी इसको बना रहा हूँ और दिखा रहा हूँ आप लोगों को। अगर डिजाइन पसंद आए तो आप लोग भी घर में बना सकते हैं ठीक इस तरह का सोफा सेट। और ये सोफा सेट का जो नीचे का हिस्सा है, उसमें भी फूल बनाया गया है दोस्तों। मैंने वीडियो को पूरा अच्छी तरह से नहीं बनाया है, लेकिन थोड़ा थोड़ा आप लोगों को दिखा दिया है इस डिजाइन को। दोस्तों देखिए अभी कैसा लग रहा है देखने में इस डिजाइन को। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना, और मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर देना दोस्तों। ये जो सोफा सेट है दोस्तों, दूसरे सोफा से थोड़ा अलग है। देखिए, दो आदमी बैठने के लिए एक अलग से बनाया गया है। एक ही फ्रेम में दो आदमी के लिए बनाया गया है, और सिंगल सिंगल करके एक आदमी बैठने के लिए एक फ्रेम और एक आदमी बैठने के लिए एक फ्रेम, ऐसे करके 3 बनाया गया है दोस्तों। और अक्सर लोग बनाता है कि 3 आदमी बैठने के लिए एक फ्रेम में ही बना देते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि सोफा को इधर उधर करने में थोड़ा दिक्कत होता है, और एरिया का भी थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन इसमें ये केस नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि 2 आदमी बैठने का एक सीट है और सिंगल सिंगल 3 सीट है इसमें। इसका जो प्लस पॉइंट है दोस्तों कि इस सोफा सेट को आप अकेले ही इधर उधर कर सकते हैं। घर का जो लेडीज लोग है, कभी कभी जगह को साफ करने के टाइम पे सोफा सेट को अगर बड़ा होगा तो हिलाने के लिए मुश्किल हो जाता है, लेकिन इस सोफा सेट में ये केस नहीं होगा दोस्तों। इसको आज़ादी अकेले ही इसको इधर उधर घुमा सकते हैं, और जो एरिया का जगह है वो थोड़ा जगह में ही इसको आप रख सकते हैं। लेकिन 3 सीट को अगर एक फ्रेम में बना देते हैं, उसका बहुत ही भारी हो जाता है, उसको इधर उधर करने में बहुत ही दिक्कत हो जाता है। इसलिए इस टाइप से हमने इस सोफा सेट को बनाया। और ये इसका जो हैंडल है, इसको देखिए किस तरह से बनाया गया है। ये बहुत ही बड़ा लकड़ी से इसको काट के बनाया गया है दोस्तों। ये जो सोफा है ये बहुत ही मजबूत है। इसका जो लेग्स है, इसका जो पुश्त है, इसको 5-2 लकड़ी से निकाला गया है। लोग अक्सर 5 देर से ही इसको बनाते हैं। और सोफा का नीचे में एक डिजाइन का बिट लगाया गया है, और उसका जो कलर है, कुशन का जो कलर है, दोनों को कलर मिक्स करके इसको लगाया गया है, कलर किया गया है दोस्तों। और इस सोफा का जो प्राइस था उस टाइम 36,000 का पड़ता था इस सोफा, क्योंकि इसको थोड़ा अलग टाइप से बनाया गया है, इसलिए उसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा था उस टाइम। ये 2 साल पहले का ही आर्ट पेपर में बनाया डिज़ाइन है दोस्तों। अगर किसी को बनाना है तो इसको देख के इस फूल को बना सकते हैं। अगर किसी को ऐसा डिज़ाइन बनाना है आर्ट पेपर में, तो हम बना के दे सकते हैं। किसी भी साइज में इसको हम बना के दे सकते हैं दोस्तों। और यही था कुछ जानकारी इस सोफा सेट का। अगर जानकारी को आप लोगों को अच्छा लगा तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक करके बेल आइकन को भी दबा के रखना दोस्तों। आज के लिए इतना ही, फिर एक दूसरे वीडियो में हम जरूर मिलेंगे दोस्तों।